भाई आपने तो कल मेरी प्रेडिक्शंस की थी बाबर आजम की 150-200 रन होएगा उसका तो। यार कहने को तो मैंने बड़ी बातें की थी, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि बाबर आजम हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में फेल हो रहा है। 2019 का अलग वर्ल्ड कप था, उसके अलावा 2021 का वर्ल्ड कप भी ठीक था, लेकिन 2022 का वर्ल्ड कप आपके सामने है और आज अगेन पहला मैच था बाबर आजम। आज के मैच में अब किस बॉल के ऊपर आउट होके गया, गुस्सा इतना चढ़ रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी खतरनाक फॉर्म के अंदर खेल रहा है, लेकिन जिस बॉल पे आउट हुआ है फील्डर को सीधा कैच देकर आउट हो गया, इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि मतलब के, और फिर गुस्सा डबल इस चीज पे चल रहा है जिस तरह इमामुल्लाह का आउट होके गया है। और फकर जमान से तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहा जितनी वो गंदी क्रिकेट खेल रहे ना इस टाइम, जितने उसने बुरी तरह से वो आउट होके गया। लेकिन बाबर और इमाम से मुझे उम्मीद थी, बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ आउट हो गया। नीदरलैंड के खिलाफ यार आप कैसे आउट हो सकते हो, मुझे ये बता दो कि नीदरलैंड माना के खेल कर आई है, लेकिन आप नंबर 1 खिलाड़ी हो और नंबर 1 खिलाड़ी हो के आप इस तरह आउट होके जा रहे हो। 38 पे 3 आउट हो गए, 38 पे 3 आउट हो गया। ये साउथ शकील और रिजवान इस पर आए हैं क्रीज पर, पता नहीं करेंगे करें क्या, अभी हमने लाइव भी जाना, लेकिन यकीन करें कि गुस्सा इतना चढ़ रहा है कि आपके टॉप 3 इतने हमने शोर मचाया हुआ था 1 महीना पहले तक, एशिया कप में भी फ्लॉप हुए, बाबर ने थोड़ा कुछ किया, लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड कप में आते साथ ही पहला मैच है, यही तो मौका था दुनिया को बताने का, इंडियन कंडीशन में पहला इंटरनेशनल आप मैच खेल रहे हो और आप अफगानिस्तान के खिलाफ 18 बॉलों पे 5 करके आउट हुए हो, 18 बॉलों के ऊपर, मतलब कि प्रेशर है, कैप्टनसी का प्रेशर आ रहा है, लोग तो बातें करेंगे ना, लोग करेंगे बातें। 150 मारना चाहिए था बाबर आजम को। शेन वेटसन ने कहा है कि ये 350 का पिच है, लेकिन पाकिस्तान को शायद लगा है सारे ये 150 का पिच है, पाकिस्तान ने उनको समझा नहीं, शायद उसको समझ नहीं पाए, पाकिस्तान 150 समझा है कि मतलब कर तो कर क्या रहे हो। और फिर इमाम के ऊपर आफरीन है, जब बाबर आउट हो गए तुम्हारा क्या काम बनता है ये शॉट खेलने का, आज तक तो इमामुल हक ने इतना ऊंचा शॉट नहीं खेला, वो नीचे खेलने वाला प्लेयर है, किस शॉट के ऊपर आउट हुआ है, किस बॉल के ऊपर वो आउट होके गया, मतलब के फकर जमान भी फजूल बॉल के ऊपर आउट होके गया, इमामुल हक भी फजूल बॉल के ऊपर आउट होके गया, बाबर आजम भी फजूल बॉल के ऊपर आउट होके गया है, और बाबर आजम हैज फेल अगेन, मतलब के बाबर आजम जब भी वर्ल्ड कप बड़े मैचेस आ रहे हैं बाबर आजम नहीं चल रहा, और बाबर आजम के ऊपर सवाल उठेंगे, लोग करेंगे, हम तो डिफेंड करते हैं बाबर आजम को, लेकिन मौका मिलेगा तो करेंगे ना, अब क्या डिफेंड करें बाबर आजम को, लो अब जो उसके क्रिटिसिज्म करेंगे वो तो रच के करेंगे और प्लीज भाई मौके मिल रहे आपसे हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि फखर जमान को कितने चांसेस देने हैं। ये आखिरी चांस ही था उसके पास, आज की मैच में नहीं चला तो अब नहीं चल सकता, और यार आप उसे उम्मीद लगा सकते हो। ओ भाई पीछे लगाते रहे ना पीछे तला भाई पीछे हम देखते यार, रहे हैं आप नहीं हम उम्मीद लगा लेकिन देते। अब पीछे उससे जो एशिया कप में करता रहा और अब वर्ल्ड कप के स्टार्ट में जो कर रहा है फखर जमान से अब हमने उसकी परफॉर्मेंस देख लिया पहले भी, अब नहीं उसे उम्मीद आ रही लग है सकती। फखर जमान से अब उम्मीद नहीं रही यार, अब लाइव जाना है, लाइव की तैयारियां करो फिलहाल, जिसको कहते हैं ना पता नहीं इन्होंने क्या करना है, ये ना हो गया हमारी लाइफ के अंदर ही अंदर सारे आउट हो जाए। ये बाबर आजम इमाम ने दिल तोड़ा यार। बाप बताऊं क्या, बाबर आजम के बगैर ये टीम कैसे रन करेगी, मुझे ये सबसे बड़ा धचका लग रहा है कि बगैर बाबर आजम कैसे रन दलीज भाई। स्टिल अगर आपका रिजवान अभी खड़ा हुआ ना, रिजवान अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे रिजवान आउट हो गया तो यहाँ पे तो लाइन लग जानी है। ना ऐसी बातें ना करो भाई, ये कल का मैच देख के सारी आवाम ने कहा था कि बाबर आजम रन करेगा। ऐसी बातें ना करो, खैर 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 लेट्स सी देखते हैं क्या होगा।